लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন, ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত্মসাধিকে শরণ্যে তম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওং জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সাহাসদা নমস্তুতে মা গো সকলের কল্যাণ করো। বন্দে 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 জয় শ্রী রাম জয় জয় শ্রী রাম। এই সভা মে উপস্থিত হাজারো কি সংখ্যা মে ইহা পর উপস্থিত এস বিধানসভা ক্ষেত্র সে জুড়ে হুয়ে সভি উপস্থিত ভাইও বহনো মে আপ সবকা সবকা হৃদয় সে অভিনন্দন করতা হু স্বাগত করতা হু। মেরে লিয়ে ইহা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ হ্যা कि मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से परमहंस राम कृष्ण जी की इस पावन धरती से आया हूं, करता हूं स्वागत करता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों महान वैज्ञानिक जगदीश चंद बसु की धरती भी बंगाल ही है। सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती, ये वही धरती है जिसने जन गण मन भी दिया और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे गए। बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों मंच पर आया तो मुझे तीन शहीद परिवार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने निर्मम हत्या कर दी थी वे तीन परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया, मुझे देख करके टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं, 2 मई के बाद विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था और तब मैंने झारखंड में 30 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए खबर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। मैं देख रहा था जगह जगह से हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने। जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज यह सभा होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मैं देख रहा हूं
মমতা দিদি ভি আব মন্দির মে যা করকে চন্ডী পাঠ কর রহি হ্যায়। পরিবর্তন হ্যায় না, ইয়ে হ্যায় নয়া ভারত। হর ব্যক্তি কো ভগবান কি শরণ মে জানা হি পড়েগা। বেসে কংগ্রেস কে নেতা রাহুল জি ভি চুনাও কে সময় মন্দির মন্দির যাতে হ্যায়, কো টোকনা পড়া, কে রে ইয়ে মন্দির হ্যায় আসন ঠিক ঢঙ্গ সে বেঠিয়ে। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए। पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया। मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी विजय है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं तो जनता जनार्दन का पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं तो बंगाल में क्यों नहीं। बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती। यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया, यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। टीएमसी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से लड़ाई लेनी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाकी उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे और यहां पर बानेश्वर महतो भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, श्री राम।